फ्रेंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एम एन यूनानी फार्मेसी। आई एम डॉक्टर मोनिका। फ्रेंड आज हम बात करने जा रहे हैं मैनकाइंड कंपनी द्वारा बनाई गई मैनफोस स्टेरलॉन्ग टैबलेट, क्या इसके फायदे होते हैं, क्या इसके नुकसान होते हैं, किस कंडीशन लेना कब नहीं लेना, इस बारे में विस्तार से करेंगे जानकारी। इससे पहले वीडियो में आगे बढ़ें मेरी गुजारिश है आपसे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, घंटी बेल आइकन दबाएं, जिससे कि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। बात कर लेते हैं इसमें दो घंटे पड़ते हैं, एक डिपॉक्सिन, दूसरा पड़ता है सिलडेनाफिल। मेनली इसका इस्तेमाल जब किया जाता है जब किसी इंसान के अंदर सेक्सुअल हार्मोन्स कम हो चुके हैं, नामर्दी हो रही है, मर्दाना कमजोरी हो गई, ताकत नहीं है, शुक्राणुओं की कमी है, टाइमिंग की कमी है, लिंग में ढीलापन हो चुका है, पतलापन हो चुका है, जल्दी डिस्चार्ज हो जाते हैं, अपने पार्टनर को सही तरीके से खुश नहीं कर पाते हैं, टाइमिंग की बहुत ज़्यादा कमी रहती है, सेक्स करने से सेक्सुअल प्रॉब्लम्स होती हैं, सेक्स जो है करने से उनकी इच्छा नहीं होती है, घबराहट बेचैनी रहती है। इन सब परेशानियों को दूर करने के लिए ये जो है स्टेरलॉन्ग टैबलेट का इस्तेमाल किया जाता है। इसका इस्तेमाल करने से टाइमिंग बढ़ेगी और जो है लिंग में तनाव आता है, ब्लड सर्कुलेशन जो है नसों में तेज़ी से दौड़ने लगता है, जो नसें ढीली पड़ गई हैं वो भी टाइट हो जाती हैं और जो है इससे टाइमिंग बढ़ती है, अपने पार्टनर को अच्छे तरीके से खुश कर सकते हैं, कॉन्फिडेंस बढ़ता है, इच्छा शक्ति बढ़ती है, काम उत्तेजना बहुत तेज़ी के साथ इंक्रीज़ होती है, बढ़ती है। इसे लेने का तरीका है जिस टाइम आप जो है रिलेशन बनाने जाएं उससे एक घंटे पहले दूध से इसका इस्तेमाल करें, फिर अपने पार्टनर से मिले तो देखेंगे आपको टाइमिंग की कमी जो थी वो पूरी हो जाएगी, टाइमिंग बढ़ जाएगी, सेक्सुअल हार्मोन्स बढ़ जाएंगे, इंक्रीज़ हो जाएंगे। जान लेते हैं अब इसके साइड इफेक्ट। इसका कुछ साइड इफेक्ट होते हैं जैसे पेट में दर्द होना, घबराहट बेचैनी हो जाना या फिर बीपी हाई हो जाना, ये कुछ इसके कॉमन साइड इफेक्ट होते हैं जो बहुत कम देखने को मिलते हैं। अगर इसके साइड इफेक्ट देखने को मिले तो इसका इस्तेमाल ना करें, अपने नज़दीक डॉक्टर फैमिली डॉक्टर से राय लें, सलाह लें, फिर इसका इस्तेमाल करें। इसे जो है हार्ट पेशेंट ना लें, जो हार्ट पेशेंट होते हैं वो इसके परहेज़ करें, इसे ना लें। वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, घंटी बेल आइकन दबाएं, जिससे कि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। थैंक वॉचिंग फॉर माई वीडियो।